हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो। हमें रेशियो निकालना, किसका निकालना, 18 मीटर टू 600 सेंटीमीटर। अब हमें रेशियो निकालेंगे, हमें क्या एक ही यूनिट में चाहिए, यहाँ मीटर है यहाँ सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ मीटर को किसमें करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें मालूम है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, 100, कितने होते 100 सेंटीमीटर। तो कितना 18 में कितना होता है, 18 × 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। अब हमें रेशियो में करना, तो 1800, अब रेशियो कैसे लेकर आ जाएगा, 1800 टू 600, दोनों सेंटीमीटर में आ गए, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो 10 से 10 कट गए, इस 0 से ये 0 कट गए, तो कितना बचेगा 18 क्या 6। अब 6 × 1 = 6 और 6 × 3 = 18, तो रेशियो क्या आएगा, 3:1 आ जाएगा। ओके, ऐसे हमारे पास 30 पैसे टू 1 रुपीज। अब 30 पैसे टू 1 रुपीज है, तो ये पैसे में, ये रुपीज में, हमें रुपीज को किसमें कन्वर्ट करना है, पैसे में। तो हमें मालूम है 1 रुपीज, 1 में कितना पैसा होता, 100 होता, तो 1 रुपीज तो 100 पैसा हो जाएगा। तो अब हमें रेशियो निकालना है 30 to 100 का, ठीक है। हमने रुपीज को किसमें किया, पैसे में कर दिया, ठीक है। तो ये 0 से 0 कटा, अब हमारे बच्चा 3/10, तो ये कटेगा नहीं, सेम नंबर में नहीं आएगा, सेम नंबर में नहीं आएगा, तो क्या आएगा 3:10 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास 4 hours to 48 minutes, 4 hours to 48 minutes का निकालना, तो ये तो मिनट्स में, ये आवर्स में, तो हमें मालूम है 1 hour में कितने सेकंड्स होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं, सॉरी 60, तो 4 में कितना, 4 × 60 कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24, 240 minutes। तो हमारे अब रेशियो निकालना 240 minutes upon 48 minutes। अब देखो 12 के टेबल में आ रहा, ठीक है, ये भी 48 है ये, तो क्या आएगा 12 × 2 = 24, ये 0 पर, और 12 × 4 = 48, ठीक है, होता कि नहीं, 12 × 2 = 24, 12 × 4 = 48, तो कितना आ रहा 20/4 आ रहा, फिर भी कट रहा, 4 × 4 = 4, 4 × 5 = 20, तो कितना आया 5/1, तो इसको लिखेंगे 5:1। ओके, ऐसे हमारे पास 15 kg to 450 gram, 15 kg to 450 gram, तो kg को हमें मालूम 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, कितने होते हैं 1000 ग्राम, तो 15 में कितना हो जाएंगे 15 × 1000, 1500 हो जाएगा। तो अब रेशियो निकालना, तो 1500 × 1500 upon 450, 0 से 0 कर गया, ठीक है। अब 5 टेबल, यहाँ भी 0, ये भी, तो 5 × 3 = 15 और ये 0 ऊपर, यहाँ 5 × 9 = 45, कितना आ रहा 30/9, 3 से कटा, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 और ये 0, तो कितना आ गया 10/3, तो इसको लिख सकते 10:3। ओके, थैंक यू।